भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन के महासचिव मनोज रघुवंशी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जिसमें वे अस्पताल में चिकित्सकों की कम होती जा रही संख्या को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर अपने युवा साथियों के साथ जनहित के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, ताकि रोगियों को पेश आ रही दिक्कतों से छुटकारा मिल सके। आपको बता दें कि सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जो हमेशा राजनीति का अखाड़ा रहा है, जहां चिकित्सकों की कमी के चलते भाजपा राज में कांग्रेस प्रदर्शन करती थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज तक इस अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस जैसे मूक सी हो गई है या लोकसभा चुनाव आने का इंतजार कर रही है, और दूसरी ओर भाजयुमो कार्यकर्ता सत्ता में आने से पहले अस्पताल के चिकित्सकों की मांग को लेकर अक्सर प्रदर्शन करते नजर आते थे, लेकिन शायद उन्हें भी जनता से जुड़े मामलों को भुनाकर सत्ता में आने का लक्ष्य साधना था, इसलिए अब वे अस्पताल की ओर पलटकर नहीं देख रहे हैं। धरने पर बैठे राजीव अरोड़ा ने कहा कि सोलन में अस्पताल की हालत बेहद दयनीय है। कांग्रेस कार्यकाल से रोगी यहां शिमला और सिरमौर इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन यहां उन्हें चिकित्सक ही नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उनके साथ भाजयुमो के महासचिव मनोज रघुवंशी हैं, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में अस्पताल से बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद आज स्थिति जस की तस है, इसलिए वे आज राजनीतिक छोड़ जनता के हितों को सर्वोपरि मानकर शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मनोज रघुवंशी जी, ये खुद इस वक्त भी एट प्रेजेंट बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हैरानी की बात है कि इन्होंने कांग्रेस के राज में उस वक्त भी डीसी ऑफिस पे धरना दिया था कि अस्पताल की जो दयनीय हालत है उसको सुधारा जाए, और आज तो हम कहे बड़े गर्व से कह सकते हैं कि सेंटर में या स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो ये समस्याएं गौन क्यों है? शासन और प्रशासन के कानों तक कोई बात नहीं पहुंच रही है, और या उन तक पहुंच रही है तो उस पर वो कोई काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचते हुए आया कि किसी ना किसी को तो आगे आना चाहिए, तो हमारे जितने भी सभी दोस्त यार हैं, तो हम सब ने मिलकर ये सोचा कि इसके लिए हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ को हम उन बहरे कानों तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को शायद कुछ सुन ही नहीं रहा है, और यदि 4 या 6 दिनों में हमारी बात को नहीं सुना गया तो फिर हम अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसको अमर अनशन आप कह सकते हैं। वहीं भाजयुमो सोलन महासचिव मनोज रघुवंशी ने कहा कि वे जनता से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि अस्पताल की स्थिति में सुधार हो, इसलिए वे भूख हड़ताल पर हैं, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अमर अनशन भी करेंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम लोगों के हित के लिए अनशन पे बैठे हैं। मैं पिछली बार भी अनशन पे बैठा था और इस बार भी अनशन पे बैठा हूँ, ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। कल को अगर मेरे माता या पिता कोई आते हैं तो उनको भी यही हालत सहन करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो उनको देखते हुए मैं पूरे सोलन के उससे अनशन पे बैठे हैं। अगर कुछ और भी हमें करना पड़े तो हम उससे आगे भी ये करेंगे।